हेलो, आज का हमारा टॉपिक है पेरिफेरल नर्व इंजरी। सो पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं वो बंडल ऑफ एक्सॉन्स कंडक्टिंग इफरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम सेल्स इन एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड इफरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम पेरिफेरल रिसेप्टर्स वाया सेल्स इन द पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया ऑफ द कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो डॉर्सल कॉलम जो होता है वो हमारा सेंसरी इनपुट लेके जाता है और हमारा वेंट्रल पार्ट जो होता है वो मोटर रिस्पॉन्स को कैरी करता है। तो सेम वे ये जो पेरिफेरल नर्व्स होते हैं ये बंडल होते हैं एक्सॉन्स के जो कि कंडक्ट कर रहे होते हैं इफरेंट इम्पल्सिस को सेल्स के एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से मसल को। कहाँ से? फ्रॉम पेरिफेरल रिसेप्टर से टू द पोस्टीरियर रूट और गैंग्लिया ऑफ द कॉर्ड। ऑल मोटर एक्सॉन्स एंड सेंसरी एक्सॉन्स आर कोटेड विद माइलिन शीथ। जितने भी हमारे एक्सॉन्स होते हैं चाहे मोटर हो चाहे सेंसरी हो सब माइलिन शीथ से कोटेड होते हैं और नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होता है ताकि वो अपना इम्पल्सेस का कंडक्शन कर सकें। बाहर हमारे इसके श्वान सेल्स होते हैं और एक्सॉन जो होता है वो कवर्ड होता है कनेक्टिव टिश्यूज को जिसको हम बोलते हैं एंडोन्यूरियम। जो एक्सॉन होता है वो हमारा सेपरेट होता है इनटू फेसिकल्स। ये जो एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ये अलग अलग हो जाते हैं जब ये फेयरली डेंस मेम्ब्रेन बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेरिन्यूरियम। और द ग्रुप ऑफ फेसिकल दैट मेक अप अ नर्व ट्रंक आर एनक्लोज इन इवन थिकर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एपिन्यूरियम। सबसे पहले हमारे देखिए जो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये एक स्पाइनल नर्व है जो कि कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स का कह सकते हैं हम विच कंटेन वन फेसिकल। इस पूरे एक बंडल को हम कह रहे हैं फेसिकल। फेसिकल के अंदर हमारे सिंगल एक्सॉन्स प्रेजेंट हैं। जितने भी हमारे एक्सॉन्स हैं उसके आउट सराउंडिंग में हमारी पेरिन्यूरियम है अराउंड द फेसिकल। हमारे ईच एक्सॉन के अंदर जो है वो है एंडोन्यूरियम और सबसे आउटर लेयर इस पूरे फेसिकल की उसको बोलेंगे हम एपिन्यूरियम। सेंसरी इनोवेशन ऑफ लिम्स एरिया ऑफ हाइपोथीजिया ड्यू टू इंजरी। अब इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर अगर डैमेज हो जाता है तो वो क्या लीड करता है? कोई भी सेंसरी लॉस या फिर इंजरी और मोटर फंक्शन लॉस भी कर सकता है और साथ में सेंसेशन लॉस तो हो गई होगा। सो इसमें एक टर्म दी गई है ऑटोनोमस जोन। तो ऑटोनोमस जोन ऐसा ए स्मॉल एरिया है जहाँ पर कम्प्लीट एनेस्थीसिया हो जाता है बिकॉज ऑफ इंजरी ऑफ दैट पर्टिकुलर नर्व। दी जोन्स आर फाउंड इन ऑल नर्व इंजरी और ऐसे जोन हर एक इंज नर्व इंजरी में प्रेजेंट होते हैं। अब ये आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है सेंसरी टेरिटरीज़ का कि कहाँ पर मीडियन नर्व के अंदर कहाँ पे जाएगा, अल्नर नर्व में कहाँ जाएगा और हमारा रेडियल नर्व में कौन से एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा ऑटोनोमस जोन्स जो हैं वो बनेंगे। नाउ हम बात करते हैं मोटर इनोवेशन ऑफ लिम्ब। मोटर नर्व इनोवेशन ऑफ लिम्ब थ्रू द मसल, आपको पता ही है कि हमारा मोटर सेंसेशन जो है वो हमारा वेंट्रल एंटीरियर कॉलम जो है वो कैरी करता है। सो कुछ हमारे इसमें पॉइंट्स हमें ध्यान रखने होते हैं जैसे नर्व सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर मसल कि कौन सा मसल को कौन सा नर्व सप्लाई कर रहा है, डिफरेंट मसल सप्लाइड बाय नर्व, कौन कौन सी अलग अलग मसल्स एक ही नर्व्स के थ्रू जा रहे हैं, उनका मसल का एक्शन क्या है। सो दिस इज़ एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ रेलिवेंट टू नर्व इंजरी। सबसे पहले रिलेशन टू सर्फेस। सुपरफिशियल नर्व्स आर मोर प्रोन टू इंजरी बाई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट लाइक मीडियन नर्व इन रिस्ट। सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट होती है मीडियन नर्व इंजरी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सुपरफिशियली नर्व के बाहर अगर कोई भी बाहर से कोई ऑब्जेक्ट हमारे को इंजरी कॉज करता है तो ये सबसे ज़्यादा सुपरफिशियल नर्व होती है जिसके कारण सबसे ज़्यादा इंजरी होने के इसमें सबसे ज़्यादा चांसेज रहते हैं। रिलेशन टू बोन, अगर कोई रेडियल नर्व इंजरी ह्यूमरल फ्रैक्चर ह्यूमरल शाफ्ट यानी कि अगर कोई फ्रैक्चर होता है सबसे ज़्यादा रिलेटेड टू जो बोन के फ्रैक्चर होने की वजह से अगर कोई इंजरी हो रही है नर्व इंजरी दैट इज़ रिलेटेड टू बोन। सो रिलेशन टू फाइब्रस सेप्टे, नर्व में गेट एंट्रैप्ड इन सेप्टा। जो हमारा सेप्टम प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द मसल एंड बोन दैट इज़ कॉल्ड सेप्टा। सो रिलेशन टू मेजर मसल वेसल्स, तो कोर्स इज कन्फाइंड स्पेस जैसे कि कंप्रेशन हो गया फॉर एग्जाम्पल कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं ड्यू टू इंजरी। सो दिस इज़ व्हाट शोज़ कि हमारा डीजनरेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है। ये अगर हमारा फर्स्ट जो ए डायग्राम है इसमें दिखाया गया है कि हमारी कोई इंजरी कट हो गई है
जिसकी वजह से हमारे पेरिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, एक्सॉन्स और सारे के सारे जितने भी माइलिन शीट्स कवरिंग थे वो सब डैमेज हो चुके हैं। तो वहाँ से सोडियम और पोटेशियम और सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम और प्रोटीन के जो है कंटेंट बाहर आ जाएंगे। इसके बाद जो हमारा बेसल लमाइनर ट्यूब्यूल, जितना भी ब्लड सप्लाई है वहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ कोन बन जाएगा, जिसकी वजह से रीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये रीजनरेशन 0.1 mm या फिर 1 mm तक, 0.1 से 1 mm पर डे तक के रहता है, जिसके बाद ये श्वान सेल जो है इसके ऊपर कलेक्ट हो जाएगा और उसकी रीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की, कौन कौन से इंजरी की, नर्व के अंदर इंजरी करने के कौन कौन से मैकेनिज्म हो सकते हैं। सबसे पहला है इंजरी एंड डिसलोकेशन, कोई डिसलोकेशन हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, जिसकी वजह से कोई नर्व कट हो गई। कट एंड लैक्सरेशन, डायरेक्ट किसी ने किसी को कट कर दिया है हैंड को, या फिर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से उसका लैक्सरेट हो गया है। कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कंप्रेशन, ट्रैक्शन, फिक्शन, कूलिंग एंड फ्रीजिंग, थर्मल इंजरी, इलेक्ट्रिक इंजरी, इस्ट्रीमिक इंजरी, टॉक्सिक एजेंट या फिर रेडिएशंस। बेसिकली अब क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरी, दो लोगों ने इसको क्लासिफाई किया था। पहला था हमारा सेडॉन क्लासिफिकेशन, दूसरा था हमारा सुदरलैंड क्लासिफिकेशन। सेडॉन ने इसमें तीन क्लासिफिकेशन दी थी। सबसे पहले होती है इसमें न्यूरोप्रेक्सिया, दूसरी होती है एक्सॉन्टमेसिस, तीसरी होती है न्यूरोटमेसिस, और एक और इसने क्लासिफाई दिया हुआ है, दैट इज ट्रांजिएंट इस्चीमिया। तो सबसे पहले हम ट्रांजिएंट इस्चीमिया की बात करते हैं। ड्यू टू अगर ज़रा सी कोई कंप्रेशन हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बैठी रहती हूँ बहुत देर तक और मैं अपने पैरों को जैसे ही एक ही कंटिन्यूस पोजिशन के अंदर अगर मैं बैठी हूँ तो मेरी कोई नर्व अगर कंप्रेस हो जाती है 15 मिनट के अंदर अंदर, और ये मुझे कैसे टिंगलिंग सेंसेशन फील होने लग जाती है लोअर लिम में। ऐसे ही अगर आपका हाथ का भी बात करें, अगर आप एक हाथ के ऊपर सो जाएं काफ़ी लंबे टाइम तक, 10-15 मिनट के लिए, तो आपका हाथ एकदम ऐसा लगता है कि सुन्न हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिएंट इस्चीमिया। और ये विद इन 15 मिनट नंबनेस और टिंगलिंग रहती है। आफ्टर 30 मिनट लॉस ऑफ पेन सेंसिबिलिटी, अगर 30 मिनट से ज़्यादा होंगे तो लॉस ऑफ पेन सेंसिबिलिटी। 45 मिनट के बाद मसल वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है। रिलीफ ऑफ कंप्रेशन इज फॉलोड बाई इंटेंस पैरेस्थीसिया अप टू 5 मिनट, और ये 5 मिनट तक रह सकती है। तो 15 मिनट तक रहेगी तो नंबनेस और टिंगलिंग, 30 मिनट तक रहेगी तो लॉस ऑफ पेन एंड सेंसिबिलिटी, 45 मिनट्स तक रहेगी तो मसल वीकनेस। सो रिलीफ जो होगा वो 5 मिनट के अंदर आ जाएगा, और रीस्टोर हो जाएंगे पूरे पूरे फंक्शन और पावर 10 मिनट और 30 सेकंड के अंदर। अब हम बात करते हैं न्यूरोप्रेक्सिया। ये भी हमारी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रिवर्सिबल फिजियोलॉजिक नर्व कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है, अगर नर्व कंडक्शन के अंदर कोई ब्लॉकेज हो गया है और जैसे ही वो हटेगा तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, मसल पावर सेम हो जाएगी, सेंसेशन बिल्कुल रिकवर हो जाएगी, और ये कुछ दिन और कुछ हफ्ते भी ले सकता है। ड्यू टू मैकेनिकल प्रेशर कॉजिंग सेगमेंटल डीमाइलिनेशन सीन इन क्रच पालसी और टॉर्निकेट पालसी, अगर किसी पेशेंट को जो कि एम्प्यूटेड है उनको हम क्रचेस देते हैं तो अंडर आर्म्स के अंदर बहुत, जब नए नए होते हैं तो जैसे ही वो अपने क्रचेस को लगाते हैं तो उनका कोई ना कोई नर्व कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें टिंगलिंग सेंसेशन या फिर मसल वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही हम इनको हटाएंगे या फिर क्रचेस को, हम उनको बोलेंगे कि थोड़े दिनों के बाद आप इसको दोबारा से यूज़ करिए या फिर आप अपनी पोजीशन को चेंज करिए, तो ये ठीक हो जाती है बिल्कुल। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल कंडीशन। नाउ नेक्स्ट इज एक्सॉन्टमेसिस। एक्सॉन जो है पूरा लॉस ऑफ कंडक्शन हो गई है, एक्सॉनल इंटरप्शन हो गए हैं इस कंडीशन में, नर्व कंटिन्यूटी के अंदर ब्रेकेज हो गया, लेकिन जो उसके न्यूरल ट्यूब्स हैं इनसाइड दैट ट्यूब एक्सॉन जो उसके अंदर प्रेजेंट है, या फिर कहें एंडोन्यूरियम जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, बट उसकी पेरिन्यूरियम और एपिन्यूरियम जो है वो कट हो गई हैं, तो उसको बोलते हैं हम एक्सॉन्टमेसिस। इसके अंदर वॉलेरियन डीजनरेशन प्रेजेंट होती है डिस्टल टू द लीजन और फ्यू मिलीमीटर्स तक। ये 1-2 दिन लेते हैं या फिर विद इन आवर्स, ये 1-2 mm पर डे होती है, और विद इन आवर्स जो है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। एज इफ दे आर नॉट इन रीनोवेटेड विद इन 2 ईयर्स दे विल नेवर रिकवर। अगर 2 साल के अंदर अंदर तक ये सही नहीं होती है तो ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज योर न्यूरोटमेसिस, डिवीजन ऑफ नर्व ट्रंक, रैपिड वॉलेरियन डिजनरेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरल, यानी कि पेरिन्यूरियम, एपिन्यूरियम और एंडोन्यूरियम तीनों के तीनों सेगमेंट्स इसमें बिल्कुल कट हो जाते हैं, सर्जिकल रिपेयर रिक्वायर्ड, इसकी बिल्कुल सर्जिकल रिपेयर चाहिए होता है, और फंक्शन में भी एडिक्वेट बट इज़ नेवर नॉर्मल, और इसमें हम जो है नॉर्मल कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड में हमने बात करी कि
सबसे पहले हमने फर्स्ट ग्रेड बात की, दैट इज़ न्यूरोप्रेक्सिया, सिर्फ इसके अंदर एग्जॉन का जो है कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है, प्रेस हो जाती है कोई भी नर्व। फिर दूसरी बात करी हमने एग्जॉन्टमेसिस, एग्जॉन जो है बिल्कुल डिवाइड हो जाता है, बट इसका अंदर का जो हमारा एंडोन्यूरियम है वो इंटैक्ट रहता है, जबकि हमारा न्यूरोटमेसिस के अंदर बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, एपिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम और पैरिन्यूरियम तीनों कट हो जाते हैं। अब सेकंड मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन, इसने 5 क्लासिफिकेशन दी थी और 1951 में सुंदरलैंड ने एक क्लासिफिकेशन दी नर्व की इंजरीज के ऊपर। सबसे पहले उसने कहा कि फोकल कंडक्शन ब्लॉक होगा, इसमें कोई नो वॉलेंजियन डीजनरेशन होगा। सेकेंड के अंदर एक्सोनल डिसरप्शन होगा। थर्ड के अंदर एक्सोन और एंडोन्यूरियम की डिसरप्शन होगा। फोर्थ ग्रेन में एक्सोन एंडोन्यूरियम पेरिन्यूरियम का डिस्ट्रक्शन होगा। फिफ्थ में एक्सोन एंडोन्यूरियम पेरिन्यूरियम एंड एपिन्यूरियम डिस्ट्रक्शन होगा। इसका डायग्नोसिस हम लोग कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं, क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, तो इनएबिलिटी टू मूव अ पार्ट ऑफ अ लिम, वीकनेस, नंबनेस, कॉज, व्हेन कॉज इज ऑब्वियस नर्व अफेक्टेड एंड इट्स लेवल इज इजी टू डिसाइड। एग्जामिनेशन हम एटीट्यूड एंड डिफॉर्मिटी देखेंगे, कहीं उस इंजरी से कोई रिस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप, विंगिंग ऑफ स्कैपुला या फिर कोई भी डिफॉर्मिटी, ए फॉर्म हैंड डिफॉर्मिटी, पॉइंटिंग इंडेक्स डिफॉर्मिटी, पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी तो नहीं हो गई है, या फिर उस एरिया के अंदर जो मसल सप्लाई है उस नर्व से वो वास्टिंग में तो नहीं चले गए हैं। स्किन देखेंगे कहीं ड्राई तो नहीं है, ग्लॉसी है, स्मूथ है, पेलोर है या फिर साइनोसिस प्रेजेंट है। स्किन के अंदर हम बाद में हम नेल्स चेक करेंगे, स्किन की एट्रोफी देखेंगे, टेम्परेचर हम देखेंगे कि पैरालाइज्ड पार्ट इज़ यूजुअली कोल्डर एंड ड्रायर। सेंसरी एग्जामिनेशन करेंगे हम लोग, स्वेट टेस्ट भी, निनहाइड्रेन टेस्ट भी करेंगे, मोटर एग्जामिनेशन करेंगे। अब हम देखेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी जो अर्ब्स पाल्सी होती है वो हमारी होती है C5, C6 एंड C7 इंजरी की वजह से। ब्रेकियल प्लेक्सस से आप लोगों को पता है कि हमारे रूट, ट्रंक है ना, ये सब जो है डिवीजन होता है ब्रेकियल प्लेक्सस से, जो कि C5 से लेकर T1 तक होता है, इन्हीं के थ्रू हमारी नर्व जो है निकलती हैं।